स्वामी जी, आपने ये भी कहा कि डॉक्टर जो है, जब आप जेनरिक दवाओं की बात कर रहे थे, आप मतलब दवाइयों के विकल्प और ब्रांडेड दवाओं का अंतर समझा रहे थे अपने ट्विटर पर, तो आपका एक बयान ये भी आया कि डॉक्टर जो है कमीशन लेकर ब्रांडेड दवाई लिखते हैं जो कई गुना महंगी होती है, क्या उस बयान पर आप अब भी कायम हैं? देखो, ये स्वामी रामदेव क्या कहता है, जो हकीकत है दीपक भाई, ऐसा करो, आप किसी भी हॉस्पिटल के बाहर ना आप अपने रिपोर्टर लगा दो, देश के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं। यही बात जब आमिर खान जी ने कही, यही बात आप किसी डॉक्टर से पूछ लो, आप जिसको भी विश्वसनीय डॉक्टर मानते हो, कुछ सरकारी हॉस्पिटल एम्स जैसे हॉस्पिटल्स को छोड़ दीजिए, डॉक्टर गुलेरिया जी जैसे डॉक्टरों को छोड़ दीजिए, कुछ और देश के बहुत अच्छे जो देवता पुरुष डॉक्टर हैं, जो इस धरती पर भगवान के वरदान जैसे हैं, लोगों को जीवन दान देने का काम करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। उनको तो मैं भी कह रहा हूँ, वो सच में इस धरती के देवता है, वो देवदूत है, उसका प्रश्न ही नहीं है ना। इस देश के बहुत सारे, अब उस संख्या की भी बात करूँगा तो फिर विवाद हो जाएगा, एक बहुत बड़ी संख्या है डॉक्टर्स की जो कमीशन लेते हैं टेस्टों के ऊपर, और वो 25 से लेकर के 50% तक सेट है पूरे हिंदुस्तान में। इसमें स्वामी रामदेव क्या बोल रहा है, ये है? अब इसको बोल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मेरे भाई दीपक भाई? आप अपने सब जगह रिपोर्टर लगा के पता करवा लो।